एवं समर्थित पार्टियों द्वारा भारत बंद का पूर्णिया में व्यापक असर दिखा। बंदी में जहां मुख्य पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, वहीं समर्थन में राजद, वामदल, समाजवादी पार्टी एवं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दरमियान सभी पार्टियों के नेताओं ने बढ़ती महंगाई और राफेल घोटाला का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल इस्तीफा देने को भी कहा। केंद्र की मोदी सरकार मनमानी नहीं चलेगी, मोदी सरकार मनमानी नहीं चलेगी। बंद पूरा सफल रहा, जनता के सहयोग रहा, जनता लोग इसमें अपने कोऑपरेट किया, पूरा पूर्णिया बंद रहा, भारत बंद रहा, बिहार बंद रहा और लोग त्रस्त आके आज कोई पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके जाता था, पहले एब्यूज करता है उसके बाद तेल लेता, लोग इतना त्रस्त है कि 90 रुपया लीटर पेट्रोल सोचा भी नहीं था, कभी सपना में भी नहीं सोचा था। जब मनमोहन सिंह के टाइम में $110 पर बैरल था तब भी 70 रुपये पेट्रोल मिलता था, आज 70 रुपये बैरल है तब 190 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, 80-90 रुपये। ये तो जनता का पैसा पूरा लूट के जितना पूंजीपति लेके भागा, बैंक NPL हुआ है, इसका सब पैसा इंडिया भारत के जनता से, गरीब जनता से असूल के वो बैंक को दे रहे हैं और पूंजीपति को छोड़ के मिल दिया कि भाग जाओ सब, अपने साथ लेके डेलीगेट में जाते हैं नीरव मोदी को, महेश चौकसी को वो पैसा लेके भाग जाता है 1 महीना के अंदर। पेट्रोल की जो महंगाई चरम सीमा छू लिए है, एक रसोई गैस जो आम आदमी की आवाम की जरूरत है कि बिना गैस से चूल्हा नहीं जलते हैं, सबकी भोजन की आवश्यकता, एक रसोई गैस की आवश्यकता है, एक उस वैसे सब व्यक्ति पर सामान पर भी जो है एक कीमत की जो बढ़ोतरी की है, उसके चलते हम लोग जो है रोड पर उतारा है। ये महंगाई को कम करने के लिए एक हमारी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन से RJD, समाजवादी सारे दल जो है रोड पर आज हम लोग आए हुए हैं, एक महंगाई के चलते। इस महंगाई से आम पब्लिक की एक जेब की जो कटाई हो रही है, एक जेब कतरा की सरकार की इसको कहा जाए, आज कमा के लाते हैं और सही ढंग से पेट तक भी नहीं पाल पाते हैं। आज ये भुखमरी एक परेशानी, आम आवाम की एक परेशानी है, ये जुल्मी सरकार तो ही कहेंगे कि अगले बार जो डीजल की रेट हुए थे ये सरकार उसके रेट के चलते रोड पर उतर आई थी, जिसके चलते ये केंद्र में आए थे। आज सरकार से हम पूछना चाहेंगे, जिस महंगाई को लेकर आप केंद्र में आए थे, आज आपकी महंगाई भी चरम सीमा से आगे चला गया, इस पर सरकार क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? आज डीजल का भी उसी तरह से रेट है, डीजल से आम किसान की परेशानी हो रही है और डीजल की रेट बढ़ रहा है। क्या मकई का रेट बढ़ा, क्या गेहूं का रेट बढ़ा? आज किसान को जो है खर्च बढ़ रही है लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ रही है, चरम सीमा छू रही है। अगर उसे नहीं सफर पाते हैं तो हम तो कहेंगे सरकार इस्तीफा दे दी। आज भारत बंद था और सभी जनता आक्रोश है, इस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लोग पहले गाली देते हैं फिर जाकर के तेल भराते हैं फिर उसका पैसा देते हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस तरह का जो विधि व्यवस्था है इसको ख़त्म करे और जितने भी गरीब भूमिहीन हैं उनको कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन दे रहने के लिए। और भी बहुत तरह की समस्या है, इसके लिए जनता रोड पर खुद आ गई है, इससे ही बड़ा आंदोलन हो सकता है, जनता बहुत आक्रोश में है। इसलिए सरकार से हम लोग, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इन लोग को इनका जो अधिकार है उनको मुहैया कराया जाए। अच्छा समर्थन रहे हम लोगों का महागठबंधन की तरफ से और सफल भी रहे, बहुत शांतिपूर्वक से हुए पूर्णिया में। अच्छा हमको ये बताइए क्या रियल में जनता पीड़ित है? हाँ पीड़ित है ना। यह विरोध जनता का आंतरिक विरोध है, जनता ने स्वतः बंद किया है और शांतिपूर्ण ढंग से वो हमारे साथ हैं,
हर लोग इस बात से अवगत है कि देश में काफ़ी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है। हमारे देश की सरहद पर सेनाओं का मौत का घाट उतारा जा रहा है। राफेल जैसी सौदा जिस कंपनी का आज निर्माण नहीं हुआ है, उस कंपनी को राफेल का सौदा का डील करना, ये कौन सा ऐसी मुसीबत आ गई, क्या ऐसी मजबूरियां आ गई? मैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि राफेल सौदा अनिल अंबानी को देने का कहां से जो है सो यह सही है, ये देश को जो है इसकी जानकारी दें। लोगों को यह बताना होगा प्रधानमंत्री को कि राफेल जो हमारी सेना सुरक्षा के लिए सौदा है, उस सौदा का जिसे कोई किसी तरह की इलम नहीं, किसे जिस चीज़ की पहले से जानकारी नहीं, ऐसे व्यक्ति को यह सौदा देना, यह दर्शाता है कि वर्तमान मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, सरकार की इस दोहरी नीति से हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये कहावत है और आज आपको देखने को मिला है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल रसोई के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि कर कर करके आम लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ इस सरकार ने डाल दिया है। एक तो सरकार जो झूठा वादा कर करके सत्ता में आई थी वो तो पूरा हुआ नहीं, और एक अतिरिक्त बोझ जो है आर्थिक बोझ डाल कर करके जनता को इस प्रकार से त्राहिमाम कर दिया। अच्छा, हमको ये बताइए कि इतना प्रदर्शन हुआ आज, भारत बंद है, आप लोग कह रहे हैं पूरी तरह से सक्सेस है, नरेंद्र मोदी जी हाँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा उन पर? देखिए, जब लोगों की मानसिकता खराब हो जाए, लोगों की जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब तो 6 महीने में जनता ही इसकी विदाई कर रही है, जनता ने मन बना लिया आज, है ना, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। इनको इज्जत बताना है तो अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, अब तभी उनकी इज्जत बचने जा रही है।